चार दशक से करते आ रहे हैं अपनी अदाकारी से दीवाना, आसान नहीं है किसी का भी संजय दत्त हो जाना। थैंक यू सर, वेलकम टू माय शो। थैंक यू भैया। तो संजय सर, आपको जब कॉल आई केस तो बनता है से, तो आप कहाँ थे? मैं काम कर रहा था यार, थोड़ी ऐसा वेला बैठा। अच्छा सॉरी, मेरे को लगा हमारे जैसे ही। हाँ काम कर रहा था, ये वो शूटिंग साउथ यहाँ साउथ। तो आपका क्या रिएक्शन था? मैंने बोला यार इतना कॉमेडी कर लिया मैंने फिल्मों में, ये वो, तो थोड़ा ओटीटी ट्राई कर लेते हैं। ट्रेंडिंग? हाँ मतलब कि हर चीज करनी चाहिए, सब करनी चाहिए हर चीज। तो अब काफी स्ट्रगल रहा होगा कि तैयारी करनी होगी, नर्वस रहे होंगे ये लोग? रहे? अच्छा ये लोग नर्वस थे? मतलब ये नर्वस थे? हाँ, कि क्या सवाल पूछना? ओ यस, क्या होगा, इल्जाम क्या लगाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इधर तो अंदर वाले नर्वस थे, एक तो इंटरव्यू लेते हुए भी नर्वस हो रहा है। अरे भैया तुम्हारे तो हम फैन हैं। अरे अरे तो बाबा, जब ये सब चल रहा था कि आप तैयारी कर रहे होंगे कि ये लुक में जाऊंगा, ऐसे जवाब दूंगा, आप तो ऐसे इम्प्रॉम्प्टू जवाब देते हैं, तो आपको आपके दिल का शोर क्या कहा? सुर अच्छा लगा। शोर अच्छा लगा? सुर अच्छा लगा। सुर अच्छा लगा। फिर तुम लोगों को देख के यार मजा आया। अरे मैं सच्ची बोल रहा हूँ, गाइस दीस गाइस आर द ग्रेटेस्ट। अरे बाप रे, संजय सर ने बोल दिया हमारा पेमेंट बढ़ा दो सालों या देना ही शुरू कर दो। और एक सबसे अच्छी बात है जो सीखने लायक है संजू सर से, वो ये है कि आप दिल के सुर की सुनिए, दिल के शोर की सुनिए, और आप बढ़ते जाइए और कहीं रुकना नहीं है। थैंक यू सो मच संजू सर। ऐसे कई अतरंगी इल्जाम आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज पर हम हर हफ्ते लगाएंगे, सो कीप वॉचिंग केस तो बनता है ओनली ऑन Amazon मिनी टीवी, जो है आपकी Amazon शॉपिंग ऐप पर, और वो भी बिल्कुल फ्री।